हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। जियो अगले साल यानी 2018 में अपने कस्टमर्स को झटका दे सकती है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में डेटा वॉर शुरू करने वाली जियो अब इसे खत्म कर सकती है। ओपन सिग्नल की नई रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो अपने टैरिफ प्लान में महंगे करने की तैयारी में है। सितंबर 2016 में जियो के लॉन्च होने के साथ ही कंपनी सस्ते टैरिफ प्लान को देखते हुए बाकी टेलीकॉम कंपनियों के बीच भी सस्ते प्लान उतारने की होड़ मच गई। भारत में डेटा की कीमत 70% से भी ज्यादा गिरी है और ऐसे में जियो अपने प्लान महंगे करके इस इंडस्ट्री में मच्छी हड़कंप रोक सकती है। टैरिफ प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी का नमूना कंपनी ने इस साल अक्टूबर महीने में दिया था। जियो के सभी सस्ते टैरिफ प्लान रिवाइज किए गए और इनकी कीमत बढ़ा दी गई। ओपन सिग्नल की एक नई रिपोर्ट की माने तो जियो के बाजार में आने से भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ डेटा वॉर बढ़ी है। ओपन सिग्नल के एन डेराटॉथ ने बताया कि यह ट्रेंड अगले साल तक जारी रहेगा। 4G बाजार में जियो का वैसा ही दबदबा रहेगा जैसा अभी है। फ्री और सस्ता डेटा एक साल तक देने के बाद जियो 2018 में अपनी सर्विस की कीमतों में इजाफा कर सकता है। ग्लोबल फर्म क्रिसल के मुताबिक साल 2020 तक भारत में डेटा खपत 40% से बढ़कर 80% हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो के आने के बाद से भारत 4G की ओर तेजी बढ़ा है। आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने अपने लॉन्च के साथ ही 3 महीने तक फ्री सेवाएं दी थी। इसके बाद हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में भी फ्री सर्विस दी गई थी। कंपनी ने कस्टमर्स के लिए कई सस्ते ऑफर उतारे हैं।